योजना निंदी YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप राज्य सरकार की तरफ से दी जाने वाली विधवा, वृद्धा और दिव्यांग पेंशन का लाभ लेते हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपको 15 अगस्त तक कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे, नहीं तो आपका पेंशन बंद हो जाएगा। और अगर आपका पेंशन 3-4 महीने से नहीं आया है तो उसका कारण भी हम आपको बताएंगे और क्या करने से आपका पेंशन आएगा। जी हाँ, अगर आप एक दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 15 अगस्त तक आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। और अगर आपका 4-5 महीने से पेंशन रुका हुआ है तो भी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कैसे आपका पेंशन मिलेगा वह भी आप जानिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जैसा कि जानकारी मिली है तो उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में आधार प्रमाणीकरण एजेंसी के सर्वर से पेंशनर निराश्रित महिलाओं का डाटा गायब हो गया। इसमें प्रदेश सरकार की ओर से 3 लाख निराश्रित महिलाओं का जो डाटा है वह रिस्टोर नहीं हो सका है, जिससे उत्तर प्रदेश के एक जिले में 2097 निराश्रित महिलाओं की पेंशनर अटकी हुई है, जिनका डाटा हैक हुआ है। यही कारण है कि जिसकी वजह से जुलाई में शासन के द्वारा भेजी गई पेंशन लाभार्थियों को उसका भुगतान नहीं हो सका है। यानी कि 3 लाख महिलाओं का डाटा हैक हुआ है और उसमें से वह डाटा रिस्टोर नहीं हुआ है, और जुलाई महीने में जो पेंशन भेजी गई थी इसी कारण से कुछ निराश्रित महिलाओं की पेंशन अभी तक अटकी हुई है, उनकी पेंशन नहीं आई है। अब अगर आधार प्रमाणीकरण का काम दोबारा कराना होगा आपको, जिसे लेकर अब इन लाभार्थियों को खुद आधार प्रमाणीकरण जनसेवा केंद्र पर जाकर के अपडेट कराना होगा। यानी कि जिस कंपनी को आधार प्रमाणीकरण का काम सौंपा गया था उस कंपनी का किसी कारण से डाटा हैक हुआ है और इसी वजह से जो पेंशन लाभार्थी है उनका डाटा गायब हो गया है और वह डाटा रिस्टोर नहीं हो रहा है, तो अब आपको जनसेवा केंद्र पर जाकर ही अपना आधार अपडेट कराना होगा, तभी जाकर के आपकी पेंशन आपको मिलेगी। दूसरी ओर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान के द्वारा संचालित महिला सुरक्षा पेंशन योजना के पात्र लाभार्थियों का वर्ष 2024 हेतु वार्षिक भौतिक सत्यापन की अंतिम जो तारीख है उसे बढ़ाकर 15 अगस्त कर दिया है। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना पालनहार के सत्र 2024-25 हेतु पोर्टल शुरू कर दिया है। सभी पात्र पालनहार लाभार्थी बच्चों का विद्यालय से अध्ययन प्रमाण पत्र बनवा करके ई मित्र के माध्यम से सत्यापन कराना होगा, ताकि योजना का नियमित रूप से लाभ मिलता रहे। वार्षिक भौतिक सत्यापन से वंचित लाभार्थी 15 अगस्त तक अपना सत्यापन करवा ले, अन्यथा उनकी पेंशन अस्थायी रूप से बंद हो जाएगी। यानी कि जो राजस्थान के सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेते हैं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, उन्हें 15 अगस्त तक अपना वार्षिक बौद्धिक सत्यापन कराना होगा, नहीं तो उनकी पेंशन अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। दोस्तों, अगर आपका पेंशन 3-4 महीने से रुका हुआ है तो आपको एक बार अपना पेंशन फॉर्म खुलवा करके बैंक अकाउंट नंबर, IFSC जो कोड है वह जरूर चेक करा लें। अगर उसमें कोई गलती है तो उसे आपको जरूर ठीक कराना होगा, अगर आपका 3-4 महीने से पेंशन नहीं आ रहा है। कुछ लाभार्थी ऐसे भी हैं जिनका पेंशन पिछले 5-6 महीने या 1 साल से रुका हुआ है, तो हो सकता है कि किन्हीं कारणों से उनका पेंशन बंद हो गया हो, वह अपने ब्लॉक में जाकर के चेक करा ले। तो अगर आप एक पेंशन लाभार्थी हैं तो आपको यह काम करना होगा। अब आपको जनसेवा केंद्र पर जाकर के उत्तर प्रदेश के जो पेंशन लाभार्थी हैं जिनका पेंशन रुका हुआ है
उन्हें अपना आधार प्रमाणीकरण खुद कराना होगा। तो यही थी जानकारी कि 15 अगस्त तक आपको क्या कार्य करना है और क्या करने से आपकी पेंशन आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब